Hello everyone, welcome to my channel David Vaishnavi. In today's video I'm gonna show you how you can use cucumber in different ways for your skin, like for example मैं आपको एक दो example देती हूँ, like how to remove excess oil from your face and like हमारे जो nose के यहाँ पे black heads हो जाते हैं एंड मेरी स्किन का मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरे फेस पे ऑयल है एंड वो भी रिमूव करता है. एंड देन अगर आपके फेस पे एक्ने हैं एंड थोड़े भाई डार्क स्पॉट्स हैं तो उन सबको भी हटाता है, ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग, तो और स्मूथ बना देता है आपकी स्किन को. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक फेस पैक बना सकते हो और अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो. बस हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, विच इज़ क्यूकम्बर. उसके लिए आपको सिर्फ एक खीरा, एक भी नहीं इवन आधा खीरा चाहिए होगा जो कि सबके घर में अवेलेबल होगा. और आपको क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ. आपको चाहिए एक टमाटर, यस वन टमाटो, छोटा चाहिए, बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ले लोगे बस. और आपको चाहिए रोज़ वाटर चाहिए आपको एंड मिल्क चाहिए, टू थ्री टेबल स्पून ऑफ मिल्क चाहिए आपको बस. ये सब आपको आगे की वीडियो में पता लग जाएगा. सो जैसे कि आप सब देख सकते हो अभी इस टाइम मैंने कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है. मैंने हाँ किया है, सिर्फ काजल लगाया एंड मैंने न्यूड शेड में लिपस्टिक लगाई हुई है, आपको दिख रहा होगा. उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज किया अपनी स्किन को, उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया. हाँ, मॉइस्चराइज करने से पहले मैंने क्या यूज़ किया था वही जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन भी ग्लोइंग लगे एंड जितने भी ब्लैक हेड्स हैं एंड एक्सेस ऑयल है वो सब रिमूव हो जाए, एक्ने हैं वो सब रिमूव हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर वो बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए. तो चलिए लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो हमारा सबसे पहला पैक है उसके लिए हम लेंगे क्यूकम्बर पल्प एंड मिल्क. इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह एंड देन हम उसको अपने हाथ से ही अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रश से अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड कर रखा है. तो इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना अच्छे से एंड देन आप उसको 10 टू 15 मिनट्स ड्राई होने के लिए छोड़ देना, देन उसको वॉश कर लेना नॉर्मल वाटर से. जैसे कि हम सभी को पता है मिल्क हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और अगर रिंकल्स होते हैं तो उसको भी हटाता है, और हम मिल्क को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं. लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारे जो डैमेज स्किन होती है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड हमारे स्किन को कॉम्प्लेक्शन जो होता है उसको लाइट करने में भी हेल्प करता है. क्यूकम्बर जूस हेल्प इन सूदिंग एंड स्मूदिंग स्किन बिकॉज इट हैज़ अ सेम pH एज हेल्दी स्किन एंड वी कैन यूज़ क्यूकम्बर जूस एज अ टोनर. अगर कभी भी लाइक आपको ये लगे ना कि आप सो के उठे हो, कभी ऐसा होता है कि आप सो के उठे हो तो आपके फेस पे थोड़ी पफिनेस रहती है, थोड़ी सी लाइक सूजन रहती है थोड़ी बहुत, तो हमेशा आप विदाउट एनी डाउट क्यूकम्बर जूस एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो. ये अगर आपके फेस पे रेडनेस भी होगी तो उसको भी ख़त्म कर देगा एंड पफिनेस होगी उसको भी ख़त्म कर देगा. हमने जो ये पैक तैयार किया था क्यूकम्बर जूस से एंड लेमन जूस से, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, देन हम इसे एक कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करना है अच्छे से, ज़्यादा रगड़ रगड़ के लाइक टाइट हाथों से नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है. एंड देन हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए. तो जब ये ड्राई हो जाएगा आपको 10 to 15 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से एंड देन आप अपना रोज टोनर यूज़ कर सकते हो. वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन इफ़ यू वॉन्ट सो यू कैन यूज़. थर्ड पैक है, इसके लिए हमें चाहिए टोमेटो पल्प एंड क्यूकम्बर पल्प. इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है एंड देन हम उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे उसको रब करेंगे, लाइक स्क्रब जैसे हम करते हैं ना ऐसे करना है हमें, अपने दोनों हैंड से सर्कुलर मोशन में
2 to 3 minutes के लिए, 2 to 3 minutes। तो उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में हम स्क्रब करेंगे अपने फेस पे, देन हम उसको 8 to 10 minutes के लिए छोड़ देंगे और फिर हम उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। टोमेटो पल्प स्किन वाइटनिंग में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड वी कैन यूज़ टोमेटो पल्प और टोमेटो फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटिंग डार्क स्पॉट्स बिकॉज दे एक्ट एज अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। टोमेटो के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वाइटामिन सी भी होता है इसके अंदर, जो कि हमारे ब्लैक हेड्स को भी कम करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को टाइट बनाता है, और जो हमारे पोर्स होते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, उनको भी बंद करने में हेल्प करता है। सो वी कैन से कि हर चीज़ में हेल्पफुल होता है टोमेटो पल्प। एंड क्यूकम्बर पल्प प्रोवाइड्स अ बेस फॉर हाइड्रेशन। सो ये थी 3 तरीके जिससे कि आप अपनी स्किन को ग्रोइंग बना सकते हैं। घर में रह के आपको कुछ फालतू के पैसे नहीं खर्च करने, आपको ये वीक में 2 times यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको 15 to 20 minutes चाहिए बस, वीक में 2 times यूज़ कर लो, 2 times or 3 times आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपको अपनी स्किन में डिफरेंस पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार यूज़ करोगे उसमें ही पता लग जाएगा। तो जब एक बारी में ये अच्छा रिजल्ट आएगा तो सेकेंड टाइम तो आप अपने आप ही यूज़ करोगे। फ्लावर, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं लगाती नहीं ज़्यादा क्योंकि उनकी देखभाल को ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही ला के रखे हुए हैं, मैंने घर में वही लगा रखे हैं बस। सॉरी कैमरा हिल गया। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट जब भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने पर्पल जो ऐप है वहाँ से ऑर्डर किए थे। तो उसमें से आधे मेरे प्रोडक्ट आ चुके हैं और आधे अभी नहीं आए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनका रिव्यू करूँगी। वो मुझे किसी ने भेजे नहीं है, वो मैंने खुद परचेज़ किए हैं अपने लिए, मुझे ज़रूरत थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ एक बार। तो आप लोगों के साथ भी मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, उनका भाई वर्क उन्होंने अच्छे से किया या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।